Srikant Jena, Congress MP from Odisha, has leveled serious allegations against Odisha Chief Minister Naveen Patnaik. He said that the CM has been at the helm of a massive mining scam in the state. A BJD MP has now reacted to it. Let's listen in. ये गंभीर बिल्कुल नहीं है आरोप, ये बिल्कुल हास्यास्पद है, हंसने वाले आरोप है। पिछले 10-12 साल से यही आरोप लगाते आ रहे हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। जना साहब की आशा थी कि शायद वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे पिछले रिशफल में, लेकिन केंद्र की जो कांग्रेस हाईकमांड है वो ओडिशा के खिलाफ, ओडिशा के लीडर्स के प्रति उनकी जो भावना है उसका ये क्लियर पता लगता है कि एक ही मंत्री है वहां से और उनको भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना के छोड़ा हुआ है। तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है उस पार्टी के अंदर आज की तारीख में, और सब चाह रहे हैं मेरे ख्याल से कि किसी तरह से लाइमलाइट में रहे, तो इसीलिए इतना बढ़ चढ़ के अगर डिमांड कुछ करो तो लाइमलाइट में रहने वाली बात है, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। जस्टिस शाह कमीशन अभी इंक्वायरी चल रही है, उनकी इंक्वायरी का मेरे ख्याल से जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसका इंतजार करना चाहिए जना साहब को। ये कई ये जो माइनिंग कंपनीज है मेरे क्लाइंट्स हैं, मुझे खुद पता है व्यक्तिगत रूप से कि कोई ऐसी धांधलीबाजी नहीं है जो जना साहब कह रहे हैं इसमें। और ये जस्टिस शाह के रिपोर्ट में आप खुद देखेंगे जब ये रिपोर्ट सामने आएगी। उड़ीसा हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है, जना साहब को थोड़ा सब्र रखना चाहिए, जस्टिस शाह के रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, हाईकोर्ट के फाइनल जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। और पटनायक साहब के रेजिग्नेशन, ऐसे मांगने से रेजिग्नेशन नहीं मिलता है। अगर पटनायक साहब को मुख्यमंत्री की गद्दी से हटाना है तो इलेक्शन के जरिए हटाना पड़ेगा। पिछले 12 साल से वो हटा नहीं पाए हैं, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगला इलेक्शन कुछ मजबूती से लड़े ताकि कुछ फाइट दे सके बीजेडी को। जो मेन मुख्य मुद्दा है, जो फिगर आया है 4 लाख करोड़ माइनिंग स्कैम जो बता रहे हैं, ये फिगर है कहाँ? ये उनके सपने का फिगर है, उनको सपने में ये फिगर आया होगा, क्योंकि इस फिगर का कहीं कोई तथ्य नहीं है। इस फिगर को बैकअप करने के लिए उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए। तो अब मुझे आप पूछेंगे ये फिगर कहां से आया, तो मैं तो बता नहीं सकता हूं, जना साहब भी बता सकते हैं, उन्होंने तो कोई इसके लिए कोई तथ्य दिया नहीं है, सिर्फ एक कह दिया है राउंड फिगर 4 लाख करोड़ का। ये आजकल लाखों करोड़ों के फिगर बहुत फैशनेबल हो गया है बोलना, तो इसलिए उसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात भी कर रहे हैं, क्रिमिनल चार्जेस की बात कर रहे हैं। जना साहब को क्रिमिनल लॉ का कोई ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल चार्जेस ऐसे नहीं फाइल करते हैं। अगर जना साहब को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलेज करना है तो 156 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोर्ट में जाके वो दाखिल करें, तब कोर्ट उसमें तय करेगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलेज करने से हो नहीं जाता है। आखिरी सवाल मेरा, क्या आपकी पार्टी कोई इस एक्शन लेने जा रही है या कुछ ले सकती है? नहीं, ये तो हंसने वाला जो एलिगेशन है उसमें क्या है, ये तो जना साहब के फ्रस्ट्रेशन का तो इलाज उनके पास होगा, हमारे पास तो कोई इलाज नहीं है। हम तो जो हमारा काम करना है हम कर रहे हैं।